यो सामान हटा दिले। तो फिर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो होप करते हैं कि इसका पहला पार्ट और सेकंड पार्ट देख चुका होगा, ये तीसरा पार्ट है। अनेक दिंग पार्ट नहीं रहता छाएगी तब मैं ना ये लिंक डिस्क्रिप्शन में जा जाऊँ, लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में रख देगा, तो अगर वो वीडियो भी देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये तीसरा पार्ट है, तो होप करते हैं ये भी अच्छा रहेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसको, तीसरा पार्ट वीडियो होला। सो टच दिले सामो टच दिले। तो अभी सुबह का 4:30 बजा हुआ है, तो जस्ट अभी उठाऊँ, नींद उठाए, नींद से जाग के देखा है तो कुछ थोड़ा बहुत फोगी साफ हुआ है, तो इसलिए थोड़ा दिखाना चाहूँगा। तो आज तीसरा दिन है शहर समय, तो आज और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करा के दिखाऊँगा। होप करते हैं कि मौसम थोड़ा अच्छा रहे। होला सो, तो फिर गाइस ये है सुबह का नज़ारा जो कि बहुत खूबसूरत है, ये देखकर मन एकदम खुश हो गया। तो हाँ, सुबह यहाँ में धूप जो बहुत जल्दी निकल रहा है, देखो शायद पहाड़ ऊंचा होने का वजह से है क्या। लगभग अभी 5 बज रहा है फिर भी धूप निकलना शुरू हो गया। हाँ तो फिर हाँ, अभी आज चलते हैं ऊपर यांगदो की ओर, थोड़ा ऊंचा है, यहाँ से चढ़ते हैं थोड़ा, उसके बाद एक्सप्लोर करा कर दिखाता हूँ। फिलहाल तो यहाँ छेरगुरमू में है, यांगदो तो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, शायद सेला टॉप से भी थोड़ा ऊंचा है क्या। हाँ हो या लसो दा। हाँ तो गैस यांगदो जा रहा था, लेकिन रास्ता में देखो मौसम चेंज हो रहे, फिर ओ ना यार, देखो गाइस ये मौसम फिर पूरा बंद होने लग गया, मतलब फोगी से भर जाने लग गया। सुबह भी ठीक था, ऐसे ही होते हैं यहाँ पर ऊंचा जगह में, तो मौसम कब बदल जाते कुछ पता ही नहीं चलते। होप करते हैं कि थोड़ा साफ़ हो जाएगा, शायद साफ़ हो भी सकते, साफ़ हो जाएगा तो ऊपर जाके झंडा लगाऊँगा। ओला सो, पूरा फोगी से भर गया, ये देखिए एकदम फोगी से पूरा बंद हो गया मतलब जगह। ओ यार क्या करेगा अभी, उपाय नहीं। हो यार तो फिर अभी गाइस मौसम साफ होने लग गया, तो फिर अभी कुछ शॉट्स लेने के लिए कोशिश करते हैं, कैसे आता है, अच्छा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर ट्राई करेगा। मौसम तो बहुत साफ हो गया, तो यहाँ से गोरीचिन दिखाई दे रहे। हाँ गोरीचिन थोंग दूर लाइन, गोरीचिन पिक शहर गंगरी दिन थोंग दू वो है। तो मौसम साफ हो गया, बढ़िया है अभी तो नज़ारा जो बहुत बढ़िया है। वाह यार
तो फिर ये रहा वो रहा, मतलब हाँ यंग क्या बोलते थोदोंगला, तो वहाँ जाऊँगा और ये झंडा लगाऊँगा। तो फागी ड्राइंग थोदोंगला लगे रहे फागी सचा दिमिंगला, हाँ वहाँ जाना पड़ेगा जो कि बहुत खूबसूरत है यहाँ से। वाह क्या नज़ारा है, आज तो खुश हो गया। बहुत फ्रेश फ्रेश लग रहे मतलब चारों तरफ। वाह हाँ या दा थोदों ला डोदे यो तार चो दिच्छार गुटे हैं सां है गिर थोदों ला। हाँ काले या खासे थोदों ला जाऊंगा, ये झंडा लगाऊंगा, उसके बाद गुड लक ही गुड लक है, और आप लोगों का सपोर्ट भी रहेगा तो और भी ज़्यादा गुड लक है। हाँ या दा थोदोंगला लेडो दो थोदोंगला लेडो दो। तो पहुंचने वाला भी थोदोंगला, तो वहाँ जाकर झंडा लगाऊंगा। तो गाइस बहुत बढ़िया है ये मौसम आज, दिल खुश हो गया, पैसा वसूल पूरा एकदम बढ़िया है। देखिए आप वाह यार। तो थोदोंगला ऑलमोस्ट पहुंच रहे। हो या थोदोंगला पहुंच गया गाइस थोदोंगला। तो ये रहा नज़ारा थोदोंगला का, कुछ इस तरह है। वाओ यार पैसा वसूल पूरा एकदम वाह। तो अभी जल्दी से जल्दी ऊपर जाके झंडा लगाऊंगा और फिर तो गुड लक ही गुड लक है, और आप सबका दुआ रहेगा तो सपोर्ट और दुआ रहेगा तो और भी ज़्यादा गुड लक है। क्या नज़ारा है देखो ना, वाह यार वाह, ओह माय गॉड यार सच है। कि वो धू लाइन कि वो धू पे कि वो रेश थोदोंगला ले सो थोदोंगला ले सो तार लुंग दा दरी चे तू दर्चो चिक चार या इन दर्चो दर्चो चार चे लुंग दा दर गा। ओ वो है यांगदो, तो वो रहा यांगदो, एक लेक भी है वहाँ में यांगदो का सोची गुरे भागी यांगदो रे। तो सेलाटोप वहाँ से पीछे जाना है, बहुत पीछे है, और वहाँ नीचे में भी और एक ठो लेक है। हाँ यार वाह यार क्या नज़ारा है। हाँ कुछ सुम लाइल लाइल हेवन, एकदम हेवन, टोटली हेवन है, हिडन ब्यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तिरंग युग मादुंग पे जिग बुध लाइन। तो ठीक है चलो गाइस, अभी आप सबको कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं अच्छा अच्छे। हाँ लासो तो ये जगह पे नेटवर्क पकड़ता है, 4G नेटवर्क पकड़ रहा था ये वोडाफोन का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कुछ इंस्टाग्राम में अपना स्टोरी अपलोड किया था। हाँ ये जगह अच्छा है। यहाँ पे 4G पकड़ रहा है और बहुत स्पीड है नेट जी। तो उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ फिर वापस अपना महल वापस। तो यहाँ से उतरूँगा, मतलब सुबह यहाँ से ऊपर आया था तो फोगी था तो दिखा नहीं पाया रास्ता जो कैसे टाइप का रास्ता है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना डेंजर रास्ता है ये। आगे वहाँ से नाम रहा था मैं, जो कि वहाँ टॉप में जाके नेटवर्क अच्छा पकड़ता है, तो वहाँ से नीचे नाम के आया हूँ। अभी फ़िलहाल फिर से नीचे ही जा रहा हूँ डाउन साइड। तो इसके बाद हम लोग का महल वो रहा, वहाँ पर जाना है। चलो फिर तो जल्दी से जाते हैं, थोड़ा भूख भी लगा है तो इसलिए कुछ खा लूँगा जल्दी से जाकर। रास्ता तो बहुत डेंजर है गाइस, आसान नहीं है रास्ता।
ये देखिए, अब यहाँ से होकर जाना पड़ेगा हमें। खतरनाक रास्ता है, एकदम खतरनाक रास्ता है। अभी हाँ गाइस, यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। चलो तो फिर चलते हैं। अया किस जगह, ओके ऑलमोस्ट पहुंच गया। ओके हो गया, पार हो गया। ये देखिए गाइस, कितना भयानक रास्ता है ये। सुबह तो जाते समय थोड़ा डर लगा था, पर अभी ठीक है। ओके तो दोस्तों, जस्ट वहाँ से आया अभी, तो फिर हाँ थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके यो गाइस, अभी ये है तीसरा रात यहाँ पहाड़ों पे। तो फिर आज हम लोग केव में सो रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा केव है तो यहाँ सोने वाला हूँ, क्योंकि आज मौसम साफ है, आसमान पूरा साफ है, क्लियर है। जस्ट थोड़ा देर पहले मैं व्यू दिखाया आप सबको, ये है केव। एक तो है इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो सिंगल आदमी के लिए तो ठीक ही है। तो इसलिए सोचा कि आज इसी केव में रात बिताया जाए। क्यों गाइस, अभी रात का 10 बजा है, तो फिर यहाँ बाहर में ठंडा है थोड़ा, उसका बाद लेकिन भी एक्सपीरियंस जो अच्छा लग रहा है। थोड़ा ठंडा भी है लेकिन बारिश नहीं गिरने से तो बहुत अच्छा है। अगर बारिश गिर जाएगा तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा, अगर अचानक से बारिश गिर जाएगा तो फिर वापस महल में दौड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी तक तो मौसम क्लियर है, देखते हैं रात को क्या होता है। तो ये है हम मेरा झोपड़ी का नज़ारा, फिलहाल झोपड़ी बोल रहे केव का नज़ारा। पूरा खुला खुला। चलो तो फिर अभी सभी को गुड नाइट। तो फिर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा, तो उसके लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हाँ गाइस, अभी कुछ एक्साइटमेंट चीज़ करने वाला हूँ, आप लोग घर में ट्राई मत करो ये चीज़। मई महीना में है ये, अभी तक भी बर्फ नहीं पिघला है। फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा तो